मैं खुले मुंह से ये कहना चाहती हूँ, इस चीज का पूरा श्रेय दूंगी जो आज इनकी दुकानें बची है, मेरे राजनीतिक गुरु और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ, जिनकी वजह से आज हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनके संज्ञान में जब ये मैटर आया तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से इसकी जांच कराएंगे, जो भी होगा न्याय न्याय की उम्मीद मैं बस महाराज जी से करती हूँ, महाराज जी की सरकार से करती हूँ। और आज इस सरकार ने साबित कर दिया है इन लोगों को यही बसे रहने देकर कि कोरोना के टाइम में और ऐसे तरीके से जो ये कमला नेहरू ट्रस्ट, मैं आपसे पूछती हूँ है क्या कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी जो फ्री होल्ड है, जिसने पूरी गलत तरीके से यहाँ फ्री होल्ड कराया था, ये पूरी तरीके से हाईकोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, डीएम नेहा शर्मा ने भी इसका संज्ञान लिया था पूरी गलत तरीके से, इनकी कोई लीज डी नहीं थी तो कैसे फ्री होल्ड हो गया। फ्री होल्ड का सबसे पहला रूल होता है, और मेरे वकील लोग यहाँ चाचा लोग यहाँ है, फ्री होल्ड का पहला रूल होता है कब्जा। जब आपका कब्जा ही नहीं तो काय बात का फ्री होल्ड, कैसे कराया आपने फ्री होल्ड, किसकी मेरी भगत है बताइए। ये सारी चीज़ें जब मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैं लाई, उन्होंने मुझे त्वरित कार्रवाई का निर्णय दिया, मुझे आश्वासन दिया कि इसमें सच का साथ दिया जाएगा, इसमें पूरी तरीके से न्याय होगा, न्यायपूर्वक कार्रवाई होगी और सही फैसला यहाँ होगा। गरीबों को योगी सरकार में परेशान प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ सोसाइटी के लोग या कुछ वो माफिया जो नेता बने बने फिर रहे हैं, वो कुछ भी कितनी भी कोशिश करें, अब कितने लोगों को पैसा खिला दोगे।